मुझे ये बताएं कि जब आप रेडियो पे आती थी, क्या लोगों ने आपको देखा हुआ था? क्या वो जानते थे कि आप देखने में कैसी हैं? क्योंकि बाद में आपकी टीवी पे प्रॉबेबली अपीयरेंस हुई. नहीं, आई स्टार्टेड विद होस्टिंग, देन आई डिड माय एक्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड रेडियो, उसके फिर बात किया था. अच्छा, एवरीबॉडी न्यू मी बिफोर दैट. हां, ओके, यू स्टार्टेड ऑफ विद टेलीविजन फर्स्ट. तो मुझे ये बताओ कि ज्यादा एंजॉय किस चीज को किया, टेलीविजन को या रेडियो को? हर चीज़ का एक अपना चार्म है. अगर आप वो काम जो कर रहे हैं, अगर उसको एंजॉय ही नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, तो आई थिंक वो क्विट कर देना चाहिए. दिस इज़ माय ओपिनियन एंड आई डू इट विद ऑल ऑफ माय पैशन. व्हाट एवर आई डू, वेदर इट्स कुकिंग, इट्स टॉकिंग टू यू, इट्स सिटिंग हियर. तो बेसिकली मैंने होस्टिंग से स्टार्ट किया था. होस्टिंग में ये एक प्लस पॉइंट होता है कि इट इज़ यू नो यू, इट्स नॉट द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग इन द ड्रामा. कैरेक्टर जो होता है उसमें मैं रिस्क माली नहीं हूँ, बट होस्टिंग इट इज़ मी, द वे आई टॉक आई एम लाइक द सेम. वेदर इट्स टी वी, इट्स एनी स्टैंड अप कॉमेडी और होस्टिंग और एनी थिंग. जैसे कि अभी हम बात करते करते एक बीच में फ्लेवर आ गया था कॉमेडी का, तो वो भी मेरा अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना. एंड देन इवन ऑन रेडियो, तो सबको पता ही था कि मैं हूँ. एंड देन उसके बाद, उससे रेडियो से पहले एक्चुअली फ्यू वर लाइक फ्यू ऑफ माय प्रोजेक्ट्स वर सो हिट टर्किश कंटेंट, जैसे कि मेरा सुल्तान है, आई डिड हुरम की डबिंग, देन इश्क ममनू में बीतर की डबिंग, देन फातिमा गुल में फातिमा गुल की डबिंग. तो एवरीबडी न्यू मी विद माय वॉइस एज वेल ना, कि ये तो आवाज रिस्की है. एंड देन बिकॉज ऑफ दोज हिट कैरेक्टर्स, माय रेडियो फ्रिक्वेंसी दे अप्रोच्ड मी. सबको पता था कि डेफिनेटली वो सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब स्पेशली बीतर वाला जो प्रोजेक्ट था इश्क ममनू, एंड देन मेरा सुल्तान में हुरम, पीपल वर सो क्रेजी एंड दे स्टिल नाउ, अभी भी दे आर सो क्रेजी ना, कि लोग देख रहे होते हैं नेटफ्लिक्स पे और वैसे. तो वो बड़ा एक अच्छा चार्म है. मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी रिस, कि आप वो जो हुरम के सारे डायलॉग्स थे उसी अंदाज में उसी तरह से आप बोले. तो फिर मेरा सुल्तान भी मेरे पास होना चाहिए. शाजी को आप मेरा सुल्तान ही समझे. चश्मा लगाने की इसमें क्या जरूरत है मेरा सुल्तान? मैंने कहा मैं अपनी हुरम को देखूं तो सही. कितने ज्यादा मैं गुड़ खा के हुण दसो मैनू. चलो यार उठो चलिए. क्यों? ओथे मेरे सुल्तान नु हुरम सुल्तान मिल गई है, साडा इथे की काम? असि अपनी सुल्तान नु लेके बाहर चलिए. तुसी बैठो, असि जाने हां. और शाज ने चश्मा भी वो लगाया कि हुरम उन्हें बिल्कुल इथे नजर आ रही है. जी ए अपने अपने नसीब दी गल है. चले हुरम शुरू हो जाए. आपको ऐसा डायलॉग आपने सुल्तान की आंखों में देख के बोलना है. इब्राहिम पाशा, वो क्या समझता है सुल्तान को मुझसे छीन लेगा? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी. सुल्तान सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे हमेशा हमेशा. इब्राहिम पाशा दी ऐसी दी तैसी. आपने शाजी की आंखों में देख के उसी तरह उसी इंटेंसिटी के साथ बोलना है. शाजी आपने जवाब भी देना है. सुल्तान, आप सिर्फ मेरे दिल में नहीं, मेरी रूह में बस चुके हैं. आपसे दूर रह के मैं खुद को अधूरा सा महसूस करती हूँ. मुझे छोड़ के ना जाया कीजिए, मेरे पास रहा कीजिए, वरना ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं. सुल्तान, मेरे सुल्तान, आप सिर्फ मेरे सुल्तान है ना? इस गल ते पक्की रवी हो ना. पक्की रवी. एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक. यू आर वॉचिंग तारों से करें बातें. साजी, वैसे आप लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है और तनकीद उन पर हो रही है महंगाई की वजह से, और आप लोग यहाँ पे वजारतों के मज़े लूट रहे हैं, क्या कहेंगे? कतन ये बात नहीं है जी, हमने नून लीग को आगे नहीं लगाया हुआ. आज मुल्क को ज़रूरत थी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की. हम साथ खड़े हैं उनके और इंशाल्लाह ताला इन चैलेंजेस से मुल्क को हम कठिया निकालेंगे इंशाल्लाह. पर बाल दिया तो सावे खान पीन में बांधी ते कोट खान में देछे. ये क्या बात हुई? मजे लेने के लिए ये है और जवाब देने के लिए नून लीग. ना मजा ले लिया है सी. मैं कमे जे मिले नहीं मजा ले ही जाने. ये सही है कि जरदारी साहब तो बगैर वफा च हुकूमत नहीं सी बनी, लेकिन पंजाब च एडा वड्डा कट ले लिया तुसी. तू केड़ियां गल्लां ते गौर करन डया? तू ए वेख मैडम रिज़क कमाली जिहड़ी बैठी है, उहनां दा पल्लू आ जिहड़ा उह ते पीको होई है कि नहीं होई? हैं, तू उहनां दे नाल वड्डियां हुकूमत दीआं गल्लां आखरी आखरी करन डया. इना जी इहनूं इन्ना जनाना शौक है, इहदी टाई वेख रहे हो? हां जी. इहदे नाल दा मैचिंग पर्स लैके आया नाल. ए वेखो बिल्कुल मैच. और बाकी तो लोग इहदे च ऐनका पाउंदे ने, इहने देखो
ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਨੀਲ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਦੋ ਨੀਲ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋ ਮਸਕਾਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਸਕਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੀਮੇਲ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਿਸ ਐਸ ਐਨ ਆਰ ਜੇ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਾਲਸ ਆਤੀ ਹੋਣਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਆਪਕੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਕਿਆ जो किसी कॉलर के साथ पेश आया हो आपने उसकी कॉल ली हो और कोई बहुत आपका डाई हार्ट फैन निकला हो हमारे साथ भी शेयर करें यूएस में भी मैंने एज आर जे काम किया एक्चुअली ह्यूस्टन में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल्स का ट्रेंड है यहाँ जो मैं शो करती थी वहाँ पे लाइव कॉल्स नहीं थी हम ओकेजनली लाइव कॉल्स लेते थे ठीक है बट मेरे जो FM के जो कुछ लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक बंदा तलागंग में होता था वो कराची आ गया एंड ही केप्ट ऑन फॉलोइंग मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब मैं शूट पे जाती थी और इत्तेफाक से वो मिला मुझे तब जब मैं जो है न्यूप्लेक्स में थी मूवी देखने में फ्रेंड्स गए हुए थे okay. कुछ दिनों तक वो मुझे फॉलो कर रहा था एंड देन वहाँ उसने डिस्क्लोज किया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको देखने एक नज़र आया हूँ और इस तरह से ये एक नहीं है वाकया एक लड़की थी मैं लाहौर में थी और इधर कैंट पे मेरा स्टेशन था तो मैं जाती थी वहाँ पर रात में लाइव शो करने तो जब मैं पहुँची हूँ तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी लाहौर में एंड शी वॉज आउटसाइड crying and raining दोनों से उसका मुंह जो है ना वो मतलब भीगा हुआ था एंड शी वाज लिटरली वांटेड टू जस्ट हैव अ लुक कि ये बंदी से मुझे एक दफा मिलना है और साथ वो बारबेक्यू लेकर आई भी थी और मैंने एक दफा बोला था अपने शो में कि मुझे सोन हलवा बहुत पसंद है तो दो बड़े बड़े पैक सोन हलवे के थे जो भीग चुके थे बारिश की वजह से तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं अच्छा मेरे ज्यादा फैंस इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माय टीवी बट बिकॉज ऑफ माय आरजेइंग थिंग बिकॉज जब आप रेडियो पे होते हैं ना स्पेशली नॉट होस्टिंग लाइक दिस ऑन टीवी बिकॉज टीवी पे देयर आर सो मेनी पीपल जैसे आपके अलावा हम लोग सारे हैं सेट है लोग हैं अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है बट ऑन FM या ऑन रेडियो इज जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल या लिसनर एंड होस्ट आप उनकी लाइक उनकी समाते हो और आपकी आवाज ऐदनिया कुड़ियां तेज तेज गल्लां करदे करदे नाल दे रोटी भी कहते वो ना मैं तुम्हें बता रही थे ना वो वहाँ मैं यहाँ से वहाँ गई हूँ वहाँ से मैं यहाँ जब आई तो मुझे कितनी परेशानी है छोड़ो छोड़ो ये मैं खाऊंगी सारा अच्छा रे मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ सिंस यू आर सो गुड एट इट आप तो आरजे हैं आपने जिस तरह से अपना शो शुरू करती हैं जिस तरह से होस्टिंग करती हैं आप अपने आप सोचो कि इस वक्त आप रेडियो स्टेशन में और आपने अपना शो स्टार्ट करना है और शाजी जो है वो कॉलर हैं उनकी कॉल आती है आपके शो में वो कोई गाने की फरमाइश करते हैं या कुछ भी एनीथिंग शाजी आप जो भी बोलना चाहते हैं आपके पास मार्जिन है शाजी या साडे हाथ जुड़े है तुम्हारी मेहरबानी सिर्फ गाने की फरमाइश करनी है अगली फरमाइश कोई नहीं ओके क्योंकि शो मेरा रात 12 से 2 तक लाइव होता था तो उसी हिसाब से एक एनवायरनमेंट और एम्बियंस होता था और वही सूदिंग सी एक आवाज और सॉफ्ट सा मेलोडी सा म्यूजिक भी होता था सो आई यूज्ड टू स्टार्ट लाइक दिस के सितारों की बारात में